क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू उस्ताद। पप्पू उस्ताद, तो उस्ताद कैसे लगा रखा है नाम में? आज मैं घोड़े का सवार हूँ। अच्छा, घोड़े के सवार है। और क्या क्या सिखाते हैं घोड़े को? घोड़े को नाच भी सिखाता हूँ, चाल भी सिखाता हूँ, रवाल भी सिखाता हूँ, दुआ भी सिखाता हूँ, कदमबाजी भी। तो क्या चार्जेज वगैरह क्या लेते हैं जैसे घोड़े को नचाने का और चाल वगैरह सिखाने का? पूरे घोड़े कंप्लीट करने के 51,000 रुपये। तो कैसे, उसके घर पे जाके सिखाते हैं घोड़ा अपने घर पे बुला के? नहीं, उसके घर ही जाना पड़ता है, अपने घर पे कहाँ बांधो, कौन सी मारी मारी करो। ओके ओके, तो अभी तक कितने क्या घोड़ों को आप सिखा चुके होंगे चाल वगैरह डांस वगैरह? तो कोई गिनती नहीं लगाई यार, मेरी उम्र ही हो गई 50 साल। 50 साल की, इन 50 साल से घोड़ा लाइन में? जी हाँ, 50 साल लग गया है, करीबन 16-17 साल के हुए जब से घोड़े लेने। अच्छा, मेरा खानदानी पेशा ही मेरा घोड़े से, घोड़े फैमिली से। तो अभी क्या आप ये घोड़ा लेके आए हुए हैं? जी। ओके, तो घोड़ा बेचने के मकसद से लाए हैं या खाली लोगों को दिखाने के या चाल दिखाने के मकसद से? नहीं नहीं, घोड़ा चाल तो मतलब हाकेगा तो दुनिया देखती है। हाँ हाँ, और बिकेगा तो भेज भी लेंगे। ओके, क्या क्या रेट लगा रहे हो आप यानी बेचना चाहोगे तो? इसके रेट तो है 3.5 लाख रुपये। ओके, और फिर जो भी जो भी हो जाए। तो अभी ये मारवाड़ी में है, किस में? ये घोड़ा हाँ चेतक वंशज है। चेतक वंशज है, ओके, मारवाड़ी में ही आता है पर, है ना? काला कलर है जी। ओके, तो ये जूते पहनाने से क्या हो जाता है इसको, ये जो नीचे आपने पहना रखे हैं भैया? ये जूता पहनाने से जो है घोड़ा जो पैर कभी कभी छोड़ देता है ऊंची जगह पड़ने से। अच्छा, जो लंबा भागता है घोड़ा, चौतालेबाज घोड़ा है। ओके, तो जो लंबा भागता है उसे कभी कभी पिछला पैर अगले पैर में टच हो जाता है, इससे सेफ्टी मिलती है, सेफ्टी रहती है। ओके जी, क्या है आपका नाम, नंबर? मेरा नंबर 78-97-72-63। पप्पू उस्ताद, मानिमो कन्नौज। मानिमो कन्नौज से हो? जिला कन्नौज। ओके, और घोड़ा मालिक संजू सिंह गुप्ता, जिला अध्यक्ष कड़ियावा ब्लॉक